अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर की रेस्क्यू टीम के साथ सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इदारा 2005 से ही बच्चों के मौशी और मुआशरती इस्तेहसाल के खिलाफ सरगर्म है और बहुत से बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर चुका है। ये इदारा तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल वगैरह शामिल है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट। आज हम आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की वर्किंग से मुतल्लिक आगाही फराहम करेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में चाइल्ड प्रोटेक्शन रेस्क्यू टीम कैसे वर्क करती है और स्ट्रीट चिल्ड्रन को कैसे रेस्क्यू करती है, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर रेलवे स्टेशन में मौजूद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के रिसेप्शन सेंटर से किरण को रेस्क्यू किया जा रहा है। 13 साल की इस मासूम बच्चे को अगवा करके सिंध के इलाके मोरू में ले जाकर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में लगाया गया। बच्ची का कहना था कि इलाके की पुलिस गैंग के साथ मिली हुई है। किरण की माँ भी उसको लेने रेलवे स्टेशन आई हुई थी। इस बच्ची के पास से एक मोबाइल बरामद हुआ जिससे इसने अपने घर वालों को इत्तला दी, लेकिन इदारे ने बच्ची को अपनी तहवील में ले लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो बच्ची आपको गुमशुदा मिली है, इसकी क्या स्टोरी है? बच्ची रेलवे पुलिस ने हमें दी है। तकरीबन बच्ची के बकौल ये 2 माह कबल इसको यहाँ से किसी ने अगवा किया था। अगवा करके इसको सिंध वाली साइड पे कोई ले गया था, वहाँ इसको ना गलत इस्तेमाल किया गया बच्ची को, तो आज ये वहाँ से वहाँ से भागने में कामयाब हो गई है। तो यहाँ ये आई है अपने घर, यहाँ घर तलाश करती रही क्योंकि इसका घर था किराए का, इसके वालदैन यहाँ किराए पे रहते थे, तो उन्होंने शहर कहीं शिफ्ट कर लिया, तो इसको बेचारी को वो घर अपना मिला नहीं है। तो ये कहीं फिर दोबारा रेलवे स्टेशन पर आई है, तो यहाँ रेलवे पुलिस ने पकड़ा और पकड़ के ये पहले तो अपना नंबर नहीं बता रही थी किसी का, बाद में कहीं उन्होंने पूछा वगैरह तो इसने नंबर बताया, तो उन्होंने फिर रब्ता किया घर वालों से। तो वो पहले तो वो उठा नहीं रहे थे, रेंट नहीं कर रहे थे, जब उन्होंने मेरे हवाले बच्ची कर दी है तो बाद में कहीं उसकी ना वालदा वो बता रही है जो आई है मैं खातून, तो वो उसने कहीं आके से रब्ता किया रेलवे पुलिस ने, उन्होंने कहा कि हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिए। तो अब वो आए, उनको मैंने कहा कि सुबह आप अदालत से जाके चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट से अपनी बच्ची को वसूल कर लें। सर, इस बच्ची का क्या रेप हुआ है? बच्ची को गलत इस्तेमाल किया गया वहाँ सिंध वाली साइड पे ना। क्या इसका मेडिकल टेस्ट हुआ है? मेडिकल टेस्ट होगा, अभी इदारा करेगा, सब कुछ इदारे ने करना है। हमने तो जस्ट पकड़ के सर के हवाले कर दिया, सर ने वहाँ लेकर जाना है। अब आगे जो भी कार्रवाई है वो सर वगैरह आगे अदालत ने करना है, जो भी करना है। ठीक है, वो मैं नाले पे ज़रा कूड़ा फेंकने गई थी, मुँह के आगे स्प्रे हुई तो जिसकी वजह से बेहोश हो गई थी। तो आगे जब मैं उठी हूँ तो लाहौर में ही थी, तो किसी के घर गिरी हुई थी, तो फिर वो कहता मैं तुम्हें ना अपने कज़नों के पास लेके जाता हूँ। फिर मैं बहुत रोई, मैंने कहा मैंने अपनी मम्मा के पास जाना है। कहता अच्छा ले जाऊँगा, पहले मेरे कज़नों से मिल लो। फिर मैंने कहा पक्का वादा? उसने कहा हाँ ठीक है वादा। तो फिर वो सिंध लेके गया मुझे, वहाँ पे कज़नों से मिलवाया, फिर खाना खाया, कहता मैं हाथ धो के आता हूँ। हाथ धोने के बजाय वो बाहर चले गया, उसका बाहर का रास्ता अलग था ना, तो हाथ धोने के बजाय बाहर चले गया। फिर मैंने उसे ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैंने वहाँ पे आंटी गुड्डी से पूछा तो कहती वो चले गया तुम्हें बेच के। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझसे काम करवाना शुरू हो गए, यानी कि प्रोग्राम वगैरह नेट वगैरह करवाने शुरू हो गए, मारते भी बहुत थे, यही रेप वगैरह ये किया। बहुत ज़्यादा, एक दिन में बहुत सारी कमाई, यानी कि 20,000 कमाती थी 20 लड़कों का। तो एक दिन मैं ऐसे काम करती रहती थी, तो कहती थी अच्छे कपड़े दूंगी, ये करूंगी, मारते भी बहुत थे। मैंने कहा अब नहीं करना, फिर भी वो जोरी करवाते थे, फिर करना पड़ता था। अगर का एक दिन काम नहीं करते थे तो रोटी भी नहीं मिलती थी, कोई चीज़ खाने को नहीं मिलती थी। बस तुम लाहौर की हो? हाँ, लाहौर की हूँ मैं। तो अम्मी कहाँ पर हैं इस वक्त? अम्मी तुमसे मिलने आई हैं, वो तुम्हारी अम्मी ही हैं? मेरी अपनी अम्मी थी, वो बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से, अब भी मुझे गले लगा के बहुत रोई हैं, कहाँ चलेगी थी बहुत रोई हैं। तो अब वो कहती मैं तुम्हें सुबह लेने आऊँगी। अम्मी कहती 2 शादियाँ आई हैं, 2 शादियाँ आई हैं, मैं उनके ऊपर शादियों पे नहीं गई क्योंकि हंगामा तुम करती हो, हम थोड़ी ना करते हैं। तो अम्मी शादी पे नहीं गई इसलिए, क्योंकि मैं गवाह हो गई थी और अम्मी बहुत रो रही थी।
یعنی کہ شادیاں بورنگ گئی ہیں، اگر گئے بھی تو آئیں۔ کتنے سال کی ہو تم؟ میں 13 سال کی ہوں۔ گم ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے تم؟ یہ 3rd مہینہ چل رہا ہے۔ تو لاہور سے ہی ہو؟ ہاں جی، میں لاہور سے۔ کون سی جگہ سے؟ نوشہری نالے سے، گندا نالہ۔ दरबार के एरिया में होटल्स पर काम करने वाले बच्चे देख रहे हैं। इस जगह पर बच्चों का सबसे ज्यादा जिंसी इस्तेहसाल किया जाता है और क्राइम रेट की रेशो भी बहुत ज्यादा है। یہاں سے ہمیں ایک بچہ ملا جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ یہ بچہ مدرسے سے بھاگ کر اس گندے سے ہوٹل میں فلمیں دیکھ رہا تھا۔ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر نے ارد گرد پمفلیٹ تقسیم کیے، بچے کے والدین کو اطلاع کرنے کے متعلق بولا۔ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں لے کر آئے ہیں، جہاں سائیکالوجسٹ اور ہسپتال کی سہولیات موجود ہیں۔ پھر ان بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن کورٹ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے۔ کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بچوں کو واپس والدین کے پاس بھیجا جائے یا پھر چائلڈ پروٹیکشن کی تحویل میں ہی رکھا جائے۔